हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अभी मैं गाय उनको पानी पिलाऊंगी, तो देख लीजिए गाय उनको पानी पिलाऊंगी, फिर वाल चालू करूंगी अभी और पिलाऊंगू पिलाएंगी। वाल चालू कर लेते हैं, फिर पानी पिलाते हैं। गरम गरम पानी आया हुआ है अभी ट्यूबवेल से, तो पानी पिला देते हैं। पहले ये गाय को पिला देती हूँ, पहले गरम गरम पानी पिलेगी ये। और सही लाइट का इंतज़ार कर रही थी थोड़ी से, तब आई है, अब पिला दूँगी गरम पानी। गाय मजे से पीती है गरम पानी। तो ये देखिए, ये है हमारी गाय, इसको पिलाना है, फिर इसको भी पिलाना है, इसको भी पिलाऊंगी, इस गाय को भी पिला देते हो। क्योंकि ठंडा मौसम चल रहा है तो मतलब गर्म पानी पिलाना पड़ता है इनको। पीते नहीं है ठंडा पानी, पीते नहीं है पानी, नहीं पियेंगे तो दूध नहीं निकलेगा। तो पानी निकला गर्म पानी तो ट्यूबवेल में आता है, गर्म गर्म पानी पी लेते हैं आराम से। इसे कितना मज़ा से पी रही है पानी। सब गायों को पिला देती हूँ पानी पानी। क्योंकि ये भी मस्त पी रही है आराम से। तीन चार गाय है, तीन चार गाय को पिलाना पड़ेगा पानी। फिर हमारे भैंस का नंबर आएगा, फिर भैंस को पानी पिलाएंगे, भैंस पिएगी पानी। चलिए, इसने तो पी लिया पानी, मुँह उधर मोड़ लिया ना इसने, तो पी लिया इसने पानी, पेट भर लिया, इसने भी पेट भर लिया। नहीं अभी तक नहीं भरा तेरा पेट। ये हमारी भैंस, अब भैंस भी पानी पिएगी आराम से। तुझे बहुत बदमाशी करती है ये, दूध नहीं देती है, बहुत ही बदमाश है ये। देख दूध नहीं देती है, देख क्या है, पानी पी ले तू आराम से, बदमाश। ये पौधे को भी पानी पिला देते हैं थोड़ा, ये भी सूखा सूखा सा लग रहा है, इसको भी ठंड से बचाव के लिए देखो क्या क्या उड़ा के रखे थे, कपड़ा उड़ा के रखे थे, ठंड से बेचारा को बचाया हमने, तो पता नहीं अभी सूखा सूखा सा। ये है हमारी भैंस की बेटी को, उसकी माँ भी बदमाश है, ये भी बदमाश है, जा के देखो सफ़ेद सफ़ेद है, पानी पीतीगा बदमाश। चले मिलते हैं आपको बाद में, चलो। देखो हमारी चुन्नी मुन्नी कैसे बैठी है, इसका नाम है मुन्नी और उसका नाम है चुन्नी। देखिए आराम से बैठी है, और ये पानी नहीं पीते, ये छाछ पीते हैं, और बंटा और छाछ पर ही रहते मस्त। चलिए इसके पास का धमला उठा लेते हैं, नहीं तो फोड़ देती है पैरों से, बहुत ही बदमाशी करती है। उठा लेते हैं इसको भी, लाओ को इधर सरका देते। शाम को पी लेना तूने पानी, ठीक है, शाम को पी लेना तूने पानी, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं पूला, पूला बोलते हैं। यहाँ छान झोपड़ा बनाते हैं ना राजस्थान में, जो घास के वो मकान बनाते हैं, इससे बनता है वो। देखिए, और देखिए हमारी
बाड़ी में क्या लगा हुआ है। नींबू देखिए कितने बड़े बड़े लगे हुए, देखिए कितने बड़े बड़े नींबू है। पता नहीं कौन सा नींबू है, इतने बड़े बड़े लगते हैं, इतने बड़े बड़े, और 12 भी महीना लगते ही रहते, चालू ही रहता है, लगना चालू ही रहता है। ये देखिए नीचे भी ऐसे लगे रहते, ये एक ही डाली को इतने सारे लगे रहते। ये देखिए कितने सारे, और अभी फूल चालू ही है, अभी देखो फूल भी चालू है। अभी देखो ये ऐसे फूल आते हैं इसमें, और छोटे होते ऐसे गुलाबी गुलाबी होते हैं, देखो बढ़िया दिखते हैं। वो देखिए फूल खिले हुए, अभी देखो कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए। चलो आप सभी, चीकू भी दिखाऊंगी मैं, चीकू भी दिखाऊंगी आपको। देखिए चीकू ने छोटा सा बाड़ी किया है, उसमें चीकू भी लगाया हमने। देखिए चीकू भी लगा हुआ है, छोटी छोटी चुके पर पकते नहीं है ये, नहीं छोटे छोटे रह जाते हैं, बहुत दिनों से पकते हैं, मतलब टाइम बहुत लेता है पकने में। ये देखिए इधर भी बहुत लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े लगे हुए, देख सकते 6-7 महीने से पकते हैं ये। देखिए छोटी सी बाड़ी है हमारी, थोड़ी बहुत मिल जाता है खाने में। और ये बेर था, पर मिट्टू ने ऐसा आतंक मचाया कि एक भी खाने के लिए नहीं मिला, सब खा गए, कुछ भी नहीं रहा, सब खा गए। चलो आगे चलेंगे अब, और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। चलिए ये देखिए नींबू का पौधा, इसको भी मतलब बहुत बड़े बड़े नींबू लगते हैं, पर इसे एक ही बार लगता है, 12 महीने में एक बार ही लगता है इसे। चलिए आगे चलते हैं अब घर की तरफ, चलो घर की तरफ चलेंगे। देखिए अभी खेतों में देखो कैसे फुहारा चल रहे हैं, देखो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, फुहारा चल रहे हैं, और आज अच्छा सा धूप खिली हुई है, देख सकते हैं। देखो देखिए देखिए फुहारा चल रहा है, और इतनी सर्दी होती है ना इधर, ठंड तो बहुत ही गिरता है राजस्थान में, और गर्मी भी बहुत होता है, रेत जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, इसकी वजह से बहुत गर्मी भी ज़्यादा होता है और ठंडा भी ज़्यादा होता है। तो देखिए पेड़ पौधों को ऐसे ढक के रखना पड़ता है कपड़ों से, नहीं जल जाता है ये सर्दी के दिनों में। देखिए कैसे फुहारा चल रही है अभी पानी से, खेतों में कितना अच्छा लगता है ना, खेत में कितना हरा भरा है, इधर प्याज है, इधर चारा है। ये देखिए वो रहा हमारा मंदिर, कुल देवी का मंदिर है वो रहा, वो देखो कुछ चलो, वो सारा धूप खिला हुआ। और अभी खाना बनाते हैं, अभी मम्मी जी तो गई है चुचुक में, गई है चुचुक में, इधर जो चुचुक बोलते हैं, और जो थे कोई बच्चे का नामकरण होता है तब जाते हैं, तो वहाँ गई हुई है, और मैं खाना बनाती हूँ। और अभी खेत में मतलब काम चालू है, तो खाना लेके जाना पड़ेगा। चलो ये देखिए हमारा घर, इधर ये बाथरूम है, और ये है पानी का टंकी, आपने पहले भी देखा होगा। देखिए चलिए को बाद में मिलते हैं, भोग रहे कहीं करे तुम, आ जा, इसका नाम है पोखरिया, इसका नाम है पोखरा, अनोखा नाम है इसका, सबसे अनोखा। कोई टोमी रखते हैं, कोई हीरा रखते हैं, कुछ कुछ रखते हैं, हमने का नाम रखा है।
पोकरिया। मैंने अभी सब्जी बना लिया है, गोभी आलू की सब्जी बना लिया। देखिए गोभी आलू की मैंने अभी सब्जी बना लिया है, क्योंकि सब्जी थोड़ा ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि गांव खेत में आदमी हैं, मतलब तो काम करने के लिए, तो उनको भी खिलाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बना लिया मैंने। और अभी आटा भी लगा लिया मैंने, देखिए आटा भी लगा लिया। और रोटी बना लेते हैं, और देखो सब्जी भी बनना चालू है अभी, आलू गोभी की सब्जी है, देख बन गई आलू गोभी, और आटा भी लगा लिया। अब रोटी बना लेती हूँ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय।